आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सर की है प्रतीक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्रतीक जी बताते हैं कि वाकया आज से करीबन 14-15 साल पुरानी है। उन दिनों मेरे पापा कांस्टेबल के तौर पर पुलिस में काम किया करते थे, जिस वजह से पापा घर में कम और काम में ज़्यादा रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन जब पापा ड्यूटी पर पहुंचे, तब उन्हें कहीं से पता चला कि उनका तबादला यानी कि दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होने वाला है। हालांकि ये खबर अभी पक्की नहीं थी, पर फिर भी पापा ने घर पर मम्मी को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मगर एक दिन पापा को थाने से ट्रांसफ़र लेटर पकड़ा दिया। लेटर मिलते ही पापा घर चले आए और अपनी पैकिंग शुरू कर दी। सारे सामानों की पैकिंग अच्छे से हो जाने के बाद उसके अगले दिन ही मम्मी पापा ने ट्रेन पकड़ ली और उस जगह के लिए रवाना हो गए। चूँकि वो जगह यहाँ से काफ़ी दूर थी, तो पापा मम्मी को अभी वहाँ पहुँचने में वक्त लगने वाला था। करीब 6.5 घंटे के सफ़र के बाद मम्मी पापा उस स्टेशन पर उतरे और फिर वहाँ से अपने घर पहुँचे। उस घर में सारे सामानों को बिठाते बिठाते उन्हें रात हो गई और फिर खाना पीना करके दोनों सो गए। अगले दिन सुबह नाश्ता करके फिर जब पापा ड्यूटी पर पहुँचे, तब वहाँ पर सारे हवलदारों को पेट्रोलिंग के लिए रूट्स दिए जा रहे थे, और पापा के थाने में पहुँचते ही उन्हें भी पेट्रोलिंग के लिए एक रूट दे दिया गया। पापा पुलिस चौकी में अभी अपना काम कर ही रहे थे कि वहीं का एक कांस्टेबल उन्हें इशारा करके अपने पास बुलाया, और फिर जब पापा उसके पास पहुँचे, तब वो उन्हें थाने से बाहर ले गया और बोला, देखो तुम्हें जो रूट मिला है ना, वो ठीक नहीं है, तो तुम अभी जाकर रूट बदलवा लो। जिस पर पापा ने कहा, क्यों भाई, ऐसा क्या है उस रूट में जो तुम बदलवा लेने को बोल रहे हो? जिस पर उस हवलदार ने कहा, वो जगह प्रेतवादित है। उस कांस्टेबल के मुंह से इतना सुनते ही पापा समझ गए कि ये फालतू बात कर रहा है। इससे पहले कि वो हवलदार कुछ बोल पाता कि पापा ने कहा, देखो भैया, आज ये मेरा पहला दिन है, तो मैं मना तो नहीं करूँगा। इतना बोलकर पापा थाने के भीतर चले आए। ऐसे ही काम करते करते आसमान में तब्दीली आ गई और अब दिन ढलने को हो गया था। जहाँ एक तरफ सूरज की रोशनी धीमी पड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर चांद की रोशनी बढ़ रही थी। रात होते न होते धीरे धीरे सारे कांस्टेबल्स अपने अपने पेट्रोलिंग रूट की तरफ निकलने लगे, जिसके साथ ही पापा भी थाने की तरफ से दिए गए बाइक से करीब 9 बजे तक पेट्रोलिंग रूट की तरफ चल दिए। रास्ता काफ़ी सुनसान हो रखा था। हालांकि गांव होने की वजह से सब लोग जल्दी ही सो जाया करते थे, तो जाहिर सी बात है कि रास्ता खाली ही होगा। मगर अच्छी बात तो ये थी कि गांव होने के बावजूद भी रोड काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से पापा को बाइक चलाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। बाइक चलाते हुए पापा अपनी निगाहें रास्ते पर यहाँ वहाँ घुमाए जा रहे थे, मगर ना तो पापा को वहाँ कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई गाड़ी। 3-4 बार चक्कर लगाने के बाद पापा ने उस रास्ते के एक जगह पर बाइक रोकी और मन ही मन कहा, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो हवलदार बोल रहा था। खैर, पापा बाइक पर बैठकर अभी थोड़ा सुस्ता ही रहे थे कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उनके कंधे पर हाथ रखा हो। पापा झट से पीछे पलटे, मगर वहाँ तो कोई था ही नहीं। इस बीते एहसास को अपना वहम मानकर पापा ने बाइक स्टार्ट किया और फिर से एक चक्कर लगाने के बाद घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचकर पापा ने खाना पीना किया और फिर सो गए। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद पापा दोबारा काम पर निकले, जिसके बाद दिन भर सब कुछ नॉर्मल ही रहा। रात होते ही सारे लोग पेट्रोलिंग पर निकल गए, जिसके साथ ही पापा भी पेट्रोलिंग पर निकलने लगे। पेट्रोलिंग पर जाने से पहले एक दफ़ा पापा ने उस हवलदार से बात की जिसने उन्हें कल उस रूट पर ना जाने की हिदायत दी थी। हाँ भाई, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो कल जाकर आया वहाँ। जिस पर उस आदमी ने पापा से कहा, अभी भी वक्त है,
रूट बदलवा लो। जिस पर पापा बिना कुछ बोले मुस्कुराकर वहां से बाइक लेकर निकल गए। अब तक पापा को वो कांस्टेबल हल्का दिमाग का लग रहा था, मगर उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। खैर, पापा बाइक भगाकर अपने रूट की तरफ आगे बढ़ने लगे। उस रास्ते पर पहुंचकर पापा ने बाइक की रफ्तार धीमी कर दी और इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ने लगे। पापा अभी उस रास्ते पर कुछ दूर ही गए होंगे कि अचानक ही उनकी बाइक बंद पड़ गई। पापा ने 2-3 बार किक भी मारी, मगर बाइक थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थक हार कर पापा बाइक से नीचे उतरे और स्टैंड पर लगाकर बाइक की जांच करने लगे। पेट्रोल, स्पार्क प्लग सब कुछ तो ठीक ही लग रहा था, तो फिर ये बाइक ऑन क्यों नहीं हो रही? अभी पापा वहां खड़े खड़े परेशान हो ही रहे थे कि उनकी नज़र बाइक के पिछले टायर पर गई, जो कि थोड़ा दबा हुआ था, जैसे कि कोई बाइक पर बैठा हो। मगर बाइक पर तो कोई दिख ही नहीं रहा था, और तो टायर भी ना तो पंचर था और ना ही हवा कम थी। ये देखकर पापा थोड़े घबरा से गए कि इतने में ही उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। अरे जरा सामने तक छोड़ दोगे? ये आवाज़ सुनते ही पापा ने चारों तरफ निगाहें घुमाई, मगर ना तो वहाँ कोई आदमी था और ना ही कोई जानवर। पापा की तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। किसी तरह हिम्मत बांध कर वो बाइक पर बैठे और किक मारा। तब बाइक एक बार में ही स्टार्ट हो गई, मगर अब पापा को बाइक जरा भारी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाइक पर पीछे बैठा हो। खैर, कांपते हाथों से पापा ने बाइक का एक्सीलेटर घुमाया और आगे बढ़ने लगे। चलते चलते जैसे ही उनकी बाइक एक स्पीड ब्रेकर के पास पहुंची कि पापा को उनके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ जो उन्हें पकड़े हुए था। तभी पापा ने अपनी नज़र बाइक के लुकिंग ग्लास पर डाली, तब उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक कुचला हुआ मुँह का आदमी बैठा है। उसकी आँखें बाहर निकली हुई थी। इतना सब देखकर पापा की हिम्मत जवाब दे गई। उनके रगों में बहता खून सूख सा गया। इतने में ही पीछे से एक आवाज आई। आ बस बस यहीं रोक दो। ये सुनते ही पापा ने बाइक रोक दी। उनके बाइक रोकते ही किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और फिर एक आवाज आई। शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। ये बोलने के बाद किसी के रोड पर चलने की आवाज आने लगी। बड़ी मुश्किल से पापा ने खुद को संभालते हुए बाइक भगाया और घर आ गए। अगले दिन पापा ने उस कांस्टेबल को पूरी बात बताई, जिस पर उसने बताया कि आज से 1 साल पहले उस रास्ते पर एक आदमी लिफ्ट मांग रहा था। तभी शराब पीकर ट्रक चला रहे एक ड्राइवर ने ट्रक से उसे उड़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तब से लोगों का ऐसा कहना है कि आज भी हर रात वो आदमी लिफ्ट की तलाश में उसी रास्ते पर खड़ा रहता है। तो दोस्तों, ये थी प्रतीक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।